बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बख्शीश इलाही और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओल्ड वर्ल्ड पुरानी दुनिया। आज 14 जनवरी 2022 बरोस जुमातुल मुबारक। सबसे पहले तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक। आज हालांकि दिन को धूप भी निकली है लेकिन फिर भी काफ़ी सर्दी है। ये देखें, मैंने टोपी पहनी हुई है सर्दी से बचने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये हमारे खेत हैं। इसमें ये अभी गंदम काश्त की है, गंदम लगी हुई है। तो आज का मौसम भी जो है ना ठंडा है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने इधर ज़मीन में क्या क्या चीज़ें काश्त की हुई है। ये देखें, ये हमारी ज़मीनें हैं, इसमें अभी गंदम काश्त की है और ये एक बेर का छोटा सा दरख्त है। ये सामने फूलों की नर्सरी बनी हुई है और ये गोबर का ढेर है। ये गोबर खाद के तौर पे जो इस्तेमाल होती है ज़मीनों में हम लोग डालते हैं। और ये देखें, ये हमने अपने खाने पीने के लिए मटर लगाए हैं। ये मटर है। ये देखें, ये आगे लहसुन लगा हुआ है, थूम है और ये नींबू का पौधा है। तो इस तरफ आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ये सब्ज़ धनिया है, ये धनिया है सब्ज़, ये धनिया भी लगाई है। ये अपने खाने पीने के लिए घर में जो है ना बंदा इस्तेमाल करता है। ये हमने सब्ज़ प्याज लगाया हुआ है, ये देखें, ये सब्ज़ प्याज है। ये इनकी जो बनी बनी हुई है ना, इसके ऊपर सब्ज़ प्याज लगा दिए है, उस तरफ थूम है। और ये पालक लगाई है। इससे आगे चलें, ये देखते हैं, ये शलगम है। ये देखें, ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये शलगम लगाए हैं, ये उससे पहले भी ये जो है ना पालक लगाई थी। ये देखें, ये पालक बड़ी है, पहले हम इसको काफ़ी दफ़ा काट चुके हैं। ये अपने खाने के लिए घर में जो है ना सब्ज़ी इस तरह इस्तेमाल होती है। अपनी चीज़ हो ना, बाज़ार की चीज़ सब्ज़ियों से अच्छी है, बंदा खुद थोड़ी बहुत लगा ले। और ये हमारी भैंस है, ये दोनों बच्चे इसके हैं, ये दोनों इसके बच्चे हैं, दोनों कटे हैं, कटे वो भी कटा है और ये भी कटा है। ये है वो बड़ा कटा है, ये वाला, ये बड़ा कटा है और ये भैंस है और ये छोटा कटा है। अब इंशाल्लाह ये भैंस जो है ना फिर सुनार है, ये तकरीबन जुलाई में जाके ना इसको हो जाएगी। और ये जिसका बनते हैं ना अनारदाना, दुल्हनी कहते हैं इसको, ये उसका दरख्त है, नरदाना जिसका बनता है। ये साथ में जो है ना कचनार के दरख्त लगे हुए हैं, दो हैं, ये भी हमने खुद ही लगाए हैं। ये देखें, ये अभी छोटे छोटे लगाए थे, अभी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, गर्मियों तक इंशाल्लाह और बड़े हो जाएंगे कचनार के दरख्त। ये वही मटर है, आपने पहले देखे हैं। इस तरफ आगे चलते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सब्ज़ प्याज है जो लगाया है, ये सब्ज़ प्याज है। और ये बैंगन का एक ही पौधा है, इसके साथ बैंगन, ये एक बैंगन इधर है इसके साथ, देखें नीचे एक और भी बैंगन है। ये देखें जी, इधर भी काफ़ी बैंगन है इसके साथ। खाने के लिए घर में इस्तेमाल के लिए जो है ना ये काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाते हैं, बाज़ार में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह भी देखें, बड़े मज़े का, ये एक ही है और उसके साथ जो है ना घर का अच्छी गुजर करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मेरी नई आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।